पड़ रही है। अगर 2005 की 2005 की बात कर ले तो लगातार एक अलग माहौल था 2005 में, लेकिन अभी माहौल कुछ गड़बड़ है ज्यादा। ये इसका जवाब सवाल आप प्रशासन के अधिकारियों से और नेताओं से पूछिएगा, मेरा विषय अभी नहीं जी। लेकिन आध्यात्मिक जवाब ये है कि चेतना में अगर गिरावट आएगी तो अपराध में वृद्धि होगी, चेतना में उत्कर्ष होगा तो अपराध भी। तो सर भी डीजीपी रहे थे उस समय, अपराध में गिरावट आई थी, लेकिन नए डीजीपी आए हैं, लगातार ढोल लगाने से स्वागत हुआ और कहा गया कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। डीजीपी जो आए हैं बहुत अच्छे, क्या करने की जरूरत है सर, शराबबंदी भी फेल है जानता हूँ जी, लेकिन अब इस पर मेरा सुझाव देना भी ठीक नहीं, ये मेरा विषय ही नहीं। तो सारा आदमी को अब क्या बोलना है, लेकिन शराबबंदी भी शर्त है तो लागू किया गया था बड़े जोर शोर। शराबबंदी तो देखिए मेरा हृदय का विषय है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि शराब पीने से व्यक्ति के जीवन में उसका पतन होता है, नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है। और शराब पीने से या कोई नशा करने से कोई फायदा नहीं, शरीर की हानि है, अर्थ की हानि है, प्रतिष्ठा की हानि है, हर तरह से हानि ही हानि। तो शराब पीना हमारे शास्त्रों में निंद बताया गया है, ये बताया गया सीधे नरक में आदमी जाता है और उसका नुकसान तो स्पष्ट ही है जो मैंने आपको बताया। तो सर उस समय थे तो शराबबंदी का समर्थक, लेकिन अभी तो एक तरह से कहे तो शराबबंदी लगातार सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ये भी राजनीतिक सवाल है, इस पर 7 दिनों की कथा चली लंबी, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे जगत के कल्याण के लिए, जैसे भागवत कथा का पूरा महत्व है। ये आदमी की चेतना में बहुत अपकर्ष आया है, तमोगुण और रजोगुण में वृद्धि हुई है, उसी कारण समाज में अशांति है जी। कथा के श्रवण से रजोगुण शांत होता है, तमोगुण शांत होता है, सत्वगुण में उत्कर्ष होता है, और जब चेतना में उत्कर्ष होता है तो जीव अपने स्वरूप शांत है, तो वहाँ जात के झगड़े, मजहब के झगड़े, सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं और आदमी अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए कथा से ही कल्याण होगा। तो बड़ा आनंद आया यहाँ पर श्री जगन्नाथाचार्य महाराज जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से, उनके छत्रछाया में, उन्हीं का आशीर्वाद से, उन्हीं के बुलावे पर मैं आया था और यहाँ पर बड़ी दिव्य कथा हुई। बड़ा दिव्य स्थान है ये सोनबरसा, चरपोखरी सोनबरसा कहते हैं, तो ये दिव्य स्थान है तोताद्री मठ है यहाँ, और यहाँ इस मठ को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं स्वामी जी, और काफ़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग जुटे, भारी भीड़ के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये दिव्य कथा हुई और बड़े दिव्य ढंग से आज इसका समापन।